नमस्ते दोस्तों, मेरी हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो नए काउंट के लेकर है। जब भी हम लोग इस तरह से नए कॉम लेकर आते हैं, स्पेशली अपने बच्चों के लिए, तो आपने देखा है कि उनकी धार काफी ज्यादा तेज फील होती है। बच्चों के सर में जो है दर्द भी होता है और कभी कभी कॉम करते करते वो रोने भी लगते हैं। तो ऐसे टाइम पर जब आप कॉम लेके आए गए हैं, तो इसको एकदम बढ़िया सा कैसे बना ले, इतना स्मूथ कैसे बनाए जिससे हमारे बच्चों के बालों में दर्द ना हो। इसके लिए एक नाइफ को गर्म कर लीजिए और इस नाइफ से अपने कॉम के जो एकदम लास्ट वाला पार्ट है, मतलब जो मेन पार्ट है जहां से हम लोग बाल झाड़ते हैं, वहां पर हल्का हल्का सा रब कर लीजिए। गर्म नाइफ लगते ही कॉम की जो धार है वो हल्की सी स्मूथ हो जाएगी और इसकी जो धार है वो कम भी हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमारे बच्चों के सर में चुभते भी नहीं है। इस तरह से हम अपने कॉम में भी ये टिप को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप में मैं आपको रेजर को सही करना बताऊंगी। अगर आपको कोई पुराना रेजर है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या आपने इस्तेमाल किया है, आपको लगता है इसे आप रीयूज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है रेजर को बिल्कुल नया बनाने का। रेजर को आप किसी बर्तन में लीजिए, इस पर डालिए गर्म पानी। गर्म पानी डालने के बाद हम डालेंगे इस पर खाने वाला सोडा। स्पेशली इसकी धार पर आपको डालना है खाने वाला सोडा और इसको थोड़ी देर के लिए सोक करके रख देना है। जब ये 10 मिनट सोक हो जाए, पानी हल्का सा ठंडा हो जाए, तब हमें एक छोटा सा काम करना है, लेकिन इसे सोक करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो जर्म्स हैं, जो बाल वगैरह फंसे हुए हैं, वे सभी निकल जाएंगे। तो 10 मिनट के बाद आपको लेना है एक टूथपिक, और टूथपिक लेने के बाद इसी टूथपिक से रेजर की जो धार है उसके अंदर जो गंदगी फंसी हुई है, स्पेशली जो छोटे हेयर्स फंसे होते हैं, उनको हमें निकाल देना है। क्योंकि गर्म पानी में ये फूल कर बाहर आ जाते हैं, तो बहुत इजी तरीके से ये जो हेयर्स हैं वो साफ हो जाते हैं। दोनों रेजर में हम यही काम करेंगे और इसके बाद से आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद से ले लीजिए कोई जीन्स की पैंट। जीन्स की पैंट पर आपको रेजर की धार चलानी है, लेकिन इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, जीन्स पर नीचे से ऊपर की ओर आपको धार चलानी है। आपको एक एक रेजर को कम से कम एक एक मिनट का टाइम देना है। जीन्स पर रेजर की धार चलाने से जो धार है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, इसमें शाइन भी आ जाती है, साथ ही रेजर बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी रेजर को आपको फेंकना हो, उससे पहले एक बार इस टिप को ट्राई जरूर कर लीजिएगा, इससे हमारे पैसे भी बचेंगे। अब एक टिप देख लेते हैं जिसमें हम दाल बनाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में बीपी और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट भी होते हैं, तो दाल बनाने से पहले आप एक टिप को ट्राई कर लीजिए। ये है लहसुन, जिसे मैंने घिस लिया है। लहसुन को मैंने डाला है गर्म कुकर में, ना ही कोई घी है ना ही कोई तेल है दोस्तों, बस इसके बाद से हम डालेंगे अपनी भीगी हुई दाल। ये जो लहसुन का फ्लेवर है बीपी के लिए तो काफी अच्छा होता ही है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही दाल में अगर हमें ज्यादा तेल या घी का तड़का नहीं लगाना है, तो उस टाइम पर भी ये लहसुन का फ्लेवर दाल को विदाउट तड़का भी बहुत अच्छा स्वाद देता है। अब इसके बाद से इस दाल में नॉर्मल तरीके से जो भी हम डालते हैं नमक हल्दी वो डालेंगे। आप थोड़ा सा एक कटा हुआ टमाटर भी डालिए, इससे भी दाल का टेस्ट बहुत अच्छा इनहेंस होता है, तो ये दाल बिना तड़के के भी अच्छी लगती है। सारी चीजों को अच्छे से मिलाइए, दाल बनकर तैयार है। इस दाल में आपकी इच्छा के अनुसार आप चाहे तो थोड़ा सा देसी घी ऐड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज आपको ऐड करनी है वो है दोस्तों कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां। ये जो हरी धनिया की पत्तियां है दाल में जादू की तरह काम करती हैं। दाल बिना तड़के के भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। लहसुन टमाटर और धनिया के फ्लेवर की ये दाल आपके घर में बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है। हमारे जो टैप होते हैं स्टील के, आपने देखा है इन पर पानी के दाग जम जाते हैं। पानी के दाग जमते हैं मिनरल्स की वजह से, क्योंकि हमारे पानी में मिनरल्स सॉल्ट ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। जब आपको टैप को क्लीन करना हो, नया जैसा बनाना हो, तो आप ले लीजिए किसी कॉटन में थोड़ा सा नारियल का तेल, और नारियल का तेल जो होता है वो बहुत अच्छे से स्टील पे शाइन देने का काम करता है। अब इस तेल वाले कॉटन को आपको लेकर अपने सारे टैप्स को अच्छे से रब कर देना है। जो हमारे एक्स्ट्रा मिनरल्स के दाग होते हैं दोस्तों, वो आगे से जमने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऑयल की एक लेयर हमने अपने टैप पर लगा दी है। ये काम आप 3-4 दिन में एक बार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा दाग है वो हमारे टैप को खराब नहीं करेंगे, साथ ही टैप जो है बहुत अच्छे से शाइन भी करेगा। इस तरीके से हम अपने घर के सारे टैप्स को अच्छे से क्लीन करके रख सकते हैं। अगर कभी आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का खाना बनाना होता है, तो आपने देखा है हम उसमें क्रीम वगैरह का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं। कभी कभी घर में क्रीम नहीं होती है, आपको बढ़िया सा खाना बनाना है, ऐसे टाइम पर आपको एक अच्छा सा उपाय बताती हूँ कि आप कच्चा दूध ले लीजिए। कच्चा दूध लेने के बाद आप इसको डाल दीजिए फ्रिज में। फ्रिज में आप इसे 2 से 3 घंटों के लिए डाल दीजिए और उसके बाद से फ्रिज से निकालिए। फ्रिज से निकालने के बाद आप देखेंगे दोस्तों कि दूध के ऊपर हल्की सी क्रीम की एक लेयर जमती है। ये वही क्रीम है जो हमें मार्केट में मिलती है।
जो हम पैकेट लेकर आते हैं काफी महंगे दामों पर, इस क्रीम को अगर अच्छे से निकाल लिया जाए तो आप देखेंगे आपके पास आधी कटोरी क्रीम इकट्ठा हो जाती है। जैसे मैंने भी यहाँ पर 1 किलो दूध को फ्रिज में रखा था और उसके बाद से क्रीम मुझे इतनी मिल गई, मैं आराम से सब्जी में डाल सकूं। यहाँ पर एक पूरी लेयर होती है, उसको संभाल संभाल कर धीरे धीरे से करके निकाल लीजिए। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मैंने इतनी क्रीम इकट्ठी करी है जो कि एक सब्जी में डालने के लिए सफिशियंट है। तो इस तरह से कभी क्रीम ना होने पर कच्चे दूध से आप क्रीम को बना सकते हैं। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है हमारे उन कप को लेकर जो हम लेकर तो आते हैं मार्केट से, लेकिन हमें लगता है कि हमें महंगे कप वाली फीलिंग नहीं दे रहे हैं या फिर ये जल्दी क्रैक हो जाएंगे, जल्दी टूट जाएंगे। ऐसे टाइम पे इस कप को एकदम मजबूत बनाने की बहुत अच्छी सी टिप देती हूँ। चाहे आप कितना भी सस्ता कप मार्केट से लेकर आए हो, आपको इनको मजबूत बनाकर अगर रखना है तो ये काफी टाइम तक चल जाएंगे और जल्दी टूटेंगे भी नहीं। तो इसके लिए एक चौड़े मुंह के बर्तन में ले लीजिए थोड़ा सा पानी, और अब इस पानी में हमने डाला है आधा चम्मच भर के नमक। नमक के साथ साथ दूसरी चीज हम डालेंगे खाने वाला सोडा। दोनों चीजों को डाल लीजिए और पानी को हल्का सा गर्म होने दीजिए। अब ये पानी में जब हल्की सी भाप उठने लगे तब इस पानी को गैस से नीचे उतारिए, और इसी पानी में हमारे जितने कप हैं, जितने आपको अच्छे करने हैं, मजबूत करने हैं, वो सारे कप इस पानी में डिप कर दीजिए। ध्यान रखें कि पूरे पानी में कप अच्छे से डिप होने चाहिए। जब आप इन कपों को डालेंगे दोस्तों तो आपको पानी की हल्की सी आवाज सुनाई देगी कि जैसे कप इन पानी को अपने अंदर सोख कर रहे हो, ऐसी हल्की सी आवाजें जरूर आएंगी, आप सुनने की कोशिश करिएगा। उसके बाद से आप इन कप को 1 से 2 घंटे डुबाकर छोड़ दीजिए। जब हम इस कप को डुबाकर छोड़ते हैं तो क्या होता है कि कप जो है इस नमक और सोडे वाले पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और इनके अंदर आती है बहुत ही बढ़िया सी मजबूती। अब ये कप हमारे बिल्कुल बोन चाइना वाले कप की तरह हो जाते हैं। आधे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब तक भी आपको टाइम हो आप इनको सोख करके रख सकते हैं। 2 घंटे के बाद आप इस कप को पानी से बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद से बस सुखाकर जैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे इस्तेमाल कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका कप काफी ज्यादा दिनों तक चलते हैं, जब मांजते धुलते कभी भी इनके क्रैक होने का डर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टिप के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कड़ाही में थोड़ी सी आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स के ऊपर मैंने डाला है हार्पिक, तो हार्पिक मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच डाला है। अब इस कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया गैस पर, जिससे क्या होगा कि हमारे जो आइस क्यूब्स हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी। तो इनको हम मेल्ट होने का इंतजार करते हैं। पानी में आ गया है एक अच्छा सा उबाल। पानी में उबाल आते ही आप देखेंगे कि एक झाग सा बनना शुरू होता है। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर डाला है हार्पिक। जो ब्लू वाला हार्पिक होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। अब इसके बाद से हमें लेना है आधा चम्मच भर के नमक। नमक भी सॉल्यूशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने का काम करेगा। अब ये सारी चीजें जो है हमारी जब उबाल आ रही है, झाग आने लगे, तो आप फ्लेम को धीमा कर दीजिए। पर इसको इतना हमें पकाना है कि जितनी झाग आप देख रहे हैं कढ़ाई में अच्छे ऊपर से आ जाए, मतलब खूब सारी झाग इसको बननी चाहिए। जब ये झाग बने, इसी टाइम पर जब झाग बनने लगे तो आप डाल दीजिए 1 चम्मच भर के मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। सारी चीजें जो हमने बहुत स्ट्रांग एजेंट की तरह डाली हैं, अब आप देख रहे हैं झाग की क्वांटिटी भी बढ़ गई है और जो है अब हमने गैस को धीमा कर दिया है। धीमी गैस पर हम इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि हमारा ये जो पानी है ये लगभग हाफ हो जाए। जब ये पानी अच्छे से पक जाए तब इसके बाद से हमने लिया है 1 चम्मच भर के डिटर्जेंट पाउडर। कोई सा भी डिटर्जेंट पाउडर आप ले सकते हैं, उसको इसमें डाल दीजिए। ये देखिए डिटर्जेंट डाला है और पानी भी अब हमारा पक पक कर लगभग 1/3 कम हो चुका है। कढ़ाई में भी चारों तरफ इसकी झाग लग चुकी है। पानी को अच्छे से पकाना है सिम फ्लेम पर। जब आप 5 मिनट इस पानी को पका लीजिए तो सारी चीजों का जो सत है वो हमारे इस पानी में आ जाता है। अब इसके बाद से आपको गैस को बंद कर देना है। जब हम गैस को बंद करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इतनी क्वांटिटी में हमारा ये सॉल्यूशन बनकर तैयार मिलेगा। इस सॉल्यूशन को अच्छे से ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद हमें इसमें डाला है नॉर्मल पानी। नॉर्मल पानी लगभग 1 लीटर आप डाल लीजिए, क्योंकि हमने जो सॉल्यूशन बनाया था वो थोड़ी क्वांटिटी में था, लेकिन पानी डालने से ये अब काफी ज्यादा हो गया है। दोस्तों इस पानी का इस्तेमाल कहाँ करना है चलिए बताती हूँ। पहला तो आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गंदी टाइल्स को साफ करने में। एक बॉटल में भर के रखिए, गंदी टाइल्स पर इसका इस्तेमाल करिए और कपड़े से वाइप करिए। दूसरा, हमारी चिमनी जो होती है काफी ज्यादा ग्रीसी हो जाती है, उसको आप क्लीन कर सकते हैं। गैस के बर्नर्स होते हैं या हमारा गैस कुकटॉप है वो एकदम ग्रीसी सा हो जाता है। किचन की स्लैब है वो ग्रीसी हो जाती है, या फिर किचन सिंक में भी आपको लगता है ब्लॉकेज है तो आप इस पानी को डाल सकते हैं। ऐसे तमाम जगहों पर जहां पर चिकनाई की वजह से समस्या आ रही है वहां पर इस पानी को यूज करिए। ये एक मल्टीपर्पज क्लीनर है जो हमने बनाया है और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसको आप बॉटल में भर कर रखिए और अपनी सारी क्लीनिंग का काम आसान करिए।
अदरक का भी अगर हम मार्केट से ले आते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, अदरक बहुत ज्यादा गीली आती है। गीली अदरक को कभी भूल से भी स्टोर मत किया करिए दोस्तों, क्योंकि गीली अदरक जो होती है वो बाकी अदरक को भी खराब करती है। जैसे इसमें मुझे दिख रहा है कि कुछ अदरक तो सूखी है लेकिन कुछ अदरक गीली आ गई है। तो जब कभी ऐसी गीली अदरक आ जाती है मार्केट से, तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं ले लेती हूँ एक न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर फैला देती हूँ, उसके ऊपर से ये जो गीली अदरक है इसको अच्छे से फैला दीजिए। आप चाहें गर्मी के दिन है तो फैन चला दीजिए, सर्दी के दिन है तो इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इनको जैसे ही हम 1 से 2 घंटा छोड़ते हैं तो आप देखते हैं सारी अदरक जो है वो सूख जाती है, न्यूज़पेपर सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद से इस अदरक को लेकर अच्छे से ड्राई करके जिपलॉक बैग में या फिर एयरटाइट कंटेनर में करके फ्रिज में स्टोर करिए। ये अदरक फिर महीनों दिन तक खराब नहीं होगी। नेक्स्ट टिप है लहसुन के लिए। ये है मैंने एक वीडियो में देखा था, मैंने सोचा क्यों ना इस हैक को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हैक है ये मुझे लगा कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। पर जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तो मैं दिखाती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। इसमें क्या करना था दोस्तों कि हमें पील किया हुआ लहसुन लेना था। जैसे मैंने यहाँ पर लहसुन को पील कर लिया है, इसके बाद से हमें बनाना था लहसुन का क्रश। तो उस वीडियो में दिखाया गया था कि फोक लगकर लहसुन की कली को पिक कर लीजिए और दूसरे फोक से कुछ इस तरीके से आप इसको हल्के हल्के करते जाइए, मतलब कट लगाते जाइए। तो ये हमारा लहसुन का बहुत अच्छा सा एक क्रश पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप देख रहे हैं कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है। ना ही लहसुन नाइफ में आ रहा है, ना ही फोक में आ सकता है, और बहुत मुश्किल है इसका इस तरीके से वर्क करना। तो मुझे तो यह है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है इसी तरीके से हमने देखा है कई वीडियोस में, आपने देखा होगा कि जब हमारे किसी भी तरह के फ्लावर को इस तरह से हमारे हैंड मिक्सर से उठाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हैंड मिक्सर से उठाने में हमारा जो फ्लावर जो है वो एक तो एग्जैक्ट उठता नहीं है, इसका मेजरमेंट मुश्किल होता है, साथ ही अब एक हमारा जो हैंड मिक्सर है वो अलग से गंदा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे जब ऐसे ड्राई फ्लावर की जरूरत होती है और मेरा एक हाथ फ्री नहीं होता है, तो मैं अपने पास हमेशा इस तरह के मेजरिंग कप्स रखती हूँ। मेजरिंग कप्स रखने से काम आसान हो जाता है और जितना आटा आपको चाहिए उतना ही आप एक बार में एक हाथ से भी बड़ी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपको दोनों में से कौन सा तरीका पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है अदरक को स्टोर करने को लेकर। अदरक को जब भी फ्रिज में स्टोर करें तो एक दो बातों का खास ध्यान रखें। अदरक एक तो सूखी होनी चाहिए, उसके बाद से अदरक को आप स्टोर करें एयर टाइट डिब्बे में। अदरक जितनी स्टोर करनी है एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। और उसके बाद से आपको लेना है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। बेकिंग सोडा को अदरक के ऊपर इस तरह से छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा, अदरक हमारी 5 से 6 महीने तक खराब नहीं होगी। सोडा जो होता है वो हमारी सब्जियों को प्रिजर्व करके रखता है। तो इस तरीके से आप अदरक को काफी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। सोडे के ऊपर लगा दीजिए टिश्यू पेपर और एयर टाइट डब्बे का ढक्कन बंद कर दीजिए। बस हो गई हमारी अदरक सेफ आगे के 5 से 6 महीनों के लिए। टिप कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में। गुड बाय।